रुचिएक्स बायोफिल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र राम ठाकुर ने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कार्य की शुरुआत कर उन्होंने ग्राम रायपुर जिला कोनिया में नेपियर घास से सीएनजी गैस के प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1,00,000 लीटर रहेगी। इस गैस से मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर को लगने वाला ईंधन एवं रसोई घर में लगने वाली गैस का निर्माण होगा, जिसकी कीमत वर्तमान में मिल रहे पेट्रोलियम ईंधन से लगभग आधी होगी और इस गैस के उपयोग से प्रदूषण का स्तर लगभग 70% घट जाएगा और इस सीएनजी निर्माण कार्य में हजारों किसानों को अपने खेत में नेपियर घास जैव ईंधन का उत्पादन करके अच्छी आमदनी प्राप्त होगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें एक सशक्त रोजगार मिलेगा। रुचिएक्स बायोफ्यूल्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राम ठाकुर ने बीसीएन न्यूज से मुलाकात में बताया कि यह सीएनजी प्लांट 26 जनवरी 2022 को हमने चालू करने का लक्ष्य रखा है और उन्होंने स्थानीय किसानों से अपील की कि सभी स्थानीय किसान नेपियर घास का उत्पादन करके एक मजबूत रोजगार प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, जिसके लिए किसान रुचि एग्रोफार्म रायपुर जिला गोंदिया में आकर मुफ्त प्रशिक्षण एवं मुक्त बिजाई प्राप्त कर इस बड़े अवसर का लाभ ले। नमस्कार, मैं महेंद्र ठाकुर गोंदिया से। जैव ईंधन का प्रोडक्शन होगा और उसके लिए रॉ मटेरियल और कोई नहीं लेकिन हमारे किसान भाई जाएंगे। इसके लिए पिछले कई सालों से हम काम कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि ये संभावना भारत में सबसे अधिक है और उसका रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद हमने एक यूनिट गोंदिया क्षेत्र में जो जैव ईंधन बनाएगा, जिसके माध्यम से बायो सीएनजी और कुकिंग गैस, जिसके माध्यम से डीजल और पेट्रोल की खपत कम होगी। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।